ये इस घर में नहीं रह सकता। कह दिया सो कह दिया। क्यों नहीं रह सकता? आखिर रवि ने इतना गलत क्या किया, मुझे बताइए, क्यों नहीं रह सकता? बहुत कुछ किया है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, इधर ये यहाँ पर नहीं रहेगा। इसने हमें दुख पहुंचाने में दुआ का पूरा पूरा साथ दिया। इसकी तो सूरत ही मुझे जहर लगती है। काम करता है दुकान पर और टांग अड़ाता है घर के मामलात में। तनख्वाह लेता है आपसे और मुंहजोरी भी आप ही से करता है। आप पता नहीं इसे कैसे बर्दाश्त करते हैं हैदर। दुआ ने भाई भाई का नारा लगा रखा था हैदर, इसीलिए इस नौकर को इस घर में कोई कुछ नहीं कहता था। अब दुआ जा चुकी है, इसीलिए इस नौकर की भी इस घर में कोई जगह नहीं है। और हैदर, अगर आपको इसकी हालत पर इतना तरस आ रहा है तो इसे किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कर दीजिए या इसके घर में कोई अच्छी नर्स रख दीजिए। उसकी तनख्वाह हम दे देंगे, लेकिन इसे इस घर में जगह नहीं देंगे। तुम इंसान हो या हैवान? कितनी बार मैं समझा के थक गया तुम्हें कि रवि की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें यह बात समझ नहीं आती। और तुम होती कौन हो मुझे इजाजत देने के लिए कि रवि कहां रहेगा और कहां नहीं? रवि कोई नौकर नहीं है, मेरा दोस्त, मेरा भाई भी है। हर दुख तकलीफ में उसने मेरा साथ दिया। जो मेरा साथ देता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता कजा, और इस हालत में मैं रवि का साथ छोड़ने वाला हूं नहीं। खोल के सुन लो सब, रवि इसी घर में रहेगा। चलो रवि। नरम दिली दिखाना बंद कीजिए हैदर। ये आपका कोई दोस्त वोस्त नहीं है? साफ साफ कह दीजिए ना कि आप इसे घर में क्यों रख रहे हैं। आप इसे इस घर में सिर्फ इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि दुआ का मुंह बोला भाई है। बहाने मत बनाइए हैदर, सबको सच सच बता दीजिए कि आप दुआ से आज भी मोहब्बत करते हैं। इसीलिए दुआ से जुड़ी हुई हर एक चीज को अपने करीब रखना चाहते हैं, और इसीलिए इस पालतू चूहे को इस घर में लेकर आए हैं जो दिन रात दुआ के आसपास तुम हिलाता रहता है। अपनी जहरीली जबान बंद करो गजर, वरना मजबूरन मुझे तहजीब के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।